मुझसे एक गलती हो गई थी, और वो गलती ये थी कि जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। और ऐसा होता है कि आप जिस मूवी से ज़्यादा उम्मीदें लगा लो वो आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट पावर मूवी के बारे में, जो हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। देखो, इसमें कास्ट तो बहुत सारे हैं, यानी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं इसके अंदर, लेकिन एक इंसान को देखकर मैं सरप्राइज भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ। उसका नाम है कैसी। अब नाम प्रोनाउंसिएशन सही है नहीं है वो देख लेना यार, नाम लिखा रहा होगा। ये एक यूट्यूबर है और इनका इतना ही रोल होता है कि वो जिमी फोक्स से एक मुक्का इनको खाना होता है। क्या यार, लोग क्या क्या करते हैं रुपयों के लिए। मूवी की कहानी की बात करूं तो एक गोली मार्केट में आई है जिससे इंसान को 5 मिनट के लिए सुपर पावर मिलती है, और वो सुपर पावर उसके शरीर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। वो गायब हो सकता है, वो उसके शरीर के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, या फिर उसके अंदर सुपर पावर मतलब स्ट्रोंग बन सकता है, या फिर वो आग का गोला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो हर एक इंसान की अंदर की जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। आर्ट नाम का एक आदमी जिसे प्ले किया जिमी फोक्स ने, वो इनके इस गोली के सप्लायर्स को ढूंढना चाहता है, क्योंकि इन गोली के सप्लायर्स के पास ही उसकी बेटी है। और उसकी बेटी क्यों है, क्योंकि वो जो है गोलियां जितनी भी सुपर पावर की जो भी गोली जो बनाई जा रही है वो उसकी बेटी से ही, बेटी के द्वारा ही बनाई जा रही है। मतलब उससे कोई ब्लड लेके ऐसा कुछ इसमें इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है, बट होता है ना कि बायोलॉजिकल चीजों को डीएनए लेकर जो भी चीजें वो बना रहे हैं वो उसकी बेटी का यूज करके वो बना रहे हैं। अब उसकी बेटी में ऐसी क्या बात है कि ये उसकी जो गोलियां हैं, जो पावर वाली गोलियां हैं, वो उसकी बेटी के द्वारा यानी उसका यूज करके बनाई जा रही है। इस सब के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। आर्ट को उसकी बेटी ढूंढने में उसकी एक लड़की मदद करती है जिसका नाम है रोबिन। शुरुआत में रोबिन होती है, बाद में एक पुलिस यानी जिसका नाम है फ्रैंक वो उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है। लास्ट में ऑब्वियसली वो अपनी बेटी को बचा लेता है, और ये कोई स्पॉइलर नहीं है। अब बात करें कि स्टोरी में कितना दम है, तो देखो यार, ये 5 मिनट की जो पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर इसको हटा दें तो स्टोरी बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस 5 मिनट के पावर से ही आता है। और वो मूवी भी क्या, जिस मूवी को देखते वक्त आपको उबासी आ जाए, और ऐसा ही मेरे साथ इस मूवी को देखते वक्त हुआ। अब एक्शन की बात करूं तो एक्शन इसके अंदर पुराने स्टाइल के हैं, या फिर मैं कहूं कि इसके अंदर एक्शन है ही नहीं तो ये कोई बात गलत नहीं हो जाएगी। अब इसकी हिंदी डबिंग की बात करूं, देखो यार, मैं तो यही कहूंगा कि इसको इंग्लिश में देखो, नीचे सबटाइटल आ जाएंगे, सबटाइटल जैसी चीजें समझ लेना, क्योंकि हिंदी डबिंग इतनी घटिया, इतनी टपोरी लैंग्वेज इसके अंदर यूज की गई है। पता नहीं ये क्या सोच के हिंदी डबिंग करते हैं और टपोरी लैंग्वेज यूज करना उसमें पसंद करते हैं कि लोग इसको अट्रैक्ट हो जाएंगे यार, बहुत ज्यादा वो बोर करने लग जाती है। वीएफएक्स की जितनी हाइप इसके अंदर क्रिएट की गई थी उतना देखकर यार इसमें मजा नहीं आया। काफी जगह लगता है कि यार ये चीजें नकली हैं। अब बात करें कि इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट पावर की जगह अगर प्रोजेक्ट बोरिंग होता तो ज्यादा सूट करती। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4.5 out of 10 star। अगर किसी ने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो रिव्यू आपके सामने, आप अपनी बुद्धि का यूज खुद यूज करिए और खुद डिसाइड करिए कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।